बॉक्स के अंदर एक ग्लास है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी देर से मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग नहीं बना रहा था, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा खुश भी होता है, सारा कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बंदे का मूड नहीं होता व्लॉग शूट करने का, तो वो वाली सिचुएशन आप कह सकते हो। तो आज का सीन ये है कि आज फ्राइडे है, मैंने अपना वर्कआउट कर लिया। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि मेरा जो वेट है काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया है, तो अब मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट करूँगा, मुझे अपना वेट लूज़ करना है। सो दिस इज़ माई हाउस बेसमेंट, सो इससे मैंने अपना जिम का सारा सेटअप किया हुआ है। आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका भाई कितना क्रेज़ी है अबाउट जिम। तो जिम का मुझे काफ़ी देर से शौक़ है, मतलब 8-10 साल पुराना शौक है। मतलब मैं किसी के घर जाके जिम नहीं कर रहा, ना बाहर जाके कर रहा हूँ, ये मेरे घर ही है, लेकिन ये नीचे वाला फ्लोर है, सबसे नीचे। तो सीन ये है कि आज फ्राइडे है, और कई भाइयों को पता होगा कि मैंने बाइक परचेज की थी 1-2 मंथ पहले, तो अब मुझे उसका एग्जॉस्ट चेंज करना है। तो लास्ट वीक मैंने उसका एग्जॉस्ट फाइंड करके ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन, तो कल मेरे घर में डिलीवर हो गया वो। और पहले जाके उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और फिर मैं उसको खुद अपनी बाइक पे आज फिक्स करूँगा और एक्सपीरियंस करेंगे, पंगे लेंगे, तो आई होप हो जाएगा। और बाकी ये है कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब से कैसे बाइक के एग्जॉस्ट को फिक्स करते हैं, तो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा रहा है। और अब कंसिस्टेंटली मैं वर्कआउट भी करूँगा, और एवरी वीक एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अब मैं चलता हूँ अपने रूम में। सो ये हमारे घर की शहजादी है, इसका नाम मानू है। तो अभी ये सो के उठी है, तो थोड़ी सी लेज़ी लग रही है। इसका फिर प्लान हमें लगता है सोने का। सो ये रात को पहरा देती है हमारे घर का, और दिन में ये सोई रहती है। तो जब भी सो के उठती है ना, तो ऐसे ही ये प्यार करती है। सो फीमेल है ये, भी 4 मंथ की है। इस बॉक्स में एग्जॉस्ट है फिलहाल, अभी मुझे 1 घंटे की ब्रेक चाहिए, बिकॉज आज फ्राइडे है और मुझे मस्जिद जाना है। मस्जिद से आके इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और फिर चेक करते हैं कैसा एग्जॉस्ट है। सो कोई टेबल ही नहीं था मेरे पास, मैंने सोचा बाइक के ऊपर ही रख के इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बड़ा पैक किया हुआ है। तो ये एग्जॉस्ट है, इतना छोटा दिखने में लग रहा है, बिकॉज जो कस्टम मेड एग्जॉस्ट होते हैं वो छोटे ही होते हैं। और जो बाइक लवर है उनको पता ही होगा कि जो मार्केट में इस टाइम टॉप नोच एग्जॉस्ट आ रहा है वो एक्रा पाविक है, और वो वाला एग्जॉस्ट मैंने क्यों नहीं बाइक किया, और मैं क्यों नहीं इस बाइक पर इंस्टॉल कर रहा, उसकी एक रीज़न है, उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। तो वापस आते हैं इस एग्जॉस्ट पे, लियो वैंस कंपनी का नाम है। सो ये इतना एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट नहीं है, और मज़े की बात यह है कि जिस कंपनी से मैंने परचेज किया, 30 डेज़ की उनकी पॉलिसी है कि अगर मुझे एग्जॉस्ट पसंद नहीं आता तो मैं उनको रिटर्न करके अपना पूरा रिफंड वापस ले सकता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं माउंट करूँगा, और ये वैसे अच्छा लगेगा लुक वाइज, का जेन्युइन एग्जॉस्ट है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा लुक वाइज भी, मतलब स्पोर्टी लुक नहीं आ रही। ये जो एग्जॉस्ट है इसको अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू था, ये वाला मैंने ओपन कर लिया है, ये वाला भी कर लिया है। जो ये वाला स्क्रू है ये मैंने बड़ी ट्राई किया है, मेरे पास ना वो मशीन नहीं है, तो ये जो पीछे से इसका स्क्रू है ना ये फ्री हो जाना है। तो अब ये है कि मैं जाके इसकी मशीन बाय कर लेता हूँ, तो
तो वही है कि उससे इजीली हम खोल लेंगे। नीचे में आप मेरा स्टफ़ देख रहे हो, मैंने इतनी ट्राई कर ली इसको खोलने की, इधर भी आप स्टफ़ देख रहे हो लेकिन ये स्क्रू नहीं खुला। और ये स्क्रू फ्री हो जाना तो आप चलते हैं कैनेडियन टायर, वहाँ से मशीन लाते हैं और इसको फिर आके ओपन करते हैं। तो कैसी लगी आपको इसकी आवाज़? अभी मैं इसको फिक्स नहीं किया, साउंड मुझे इसका सुनना था, साउंड मैंने सुन लिया, अब इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो आपको कैसा लगा एग्जास्ट का साउंड? वीडियो में इतनी आवाज़ नहीं आ रही, इतना लाउड नहीं लग रहा, लेकिन असल में काफ़ी लाउड है इसकी आवाज़। और मैंने अभी फुल थ्रॉटल नहीं दिया, अभी के साथ में नेबर हैं, तो किसी और दिन मैं बाहर जाके आपको स्ट्रीट या पार्क में इसका साउंड चेक करवा दूंगा। तो अब जो सेकंड चीज़ मुझे इसमें मॉडिफाई करनी है वो ये आपको नंबर प्लेट और ये सिग्नल नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है बाहर को निकला हुआ है। तो एक मैंने प्लेट मंगवाई है वो नीचे लग जाएगी, उसके साथ सिग्नल लग जाएंगे और जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो उसके बाद इसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये है कि मैंने भाई को जॉब दिया, जब तक मैं ट्रिप से आऊँगा तब तक वो इसको फिक्स कर देगा। इस प्लेट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगी, तो देखने कितना गैप है, उसके बाद काफ़ी लुक अच्छी आएगी। तो ये है कि अब भाई इसको करेगा फिक्स। और ठीक है गाइस, वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और अब मैं जा रहा हूँ जॉब पर और फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रकिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।